गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज गरुड़ पुराण का मैं आपको छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसके अंदर भगवान विष्णु गरुड़ जी को ये बताते हैं कि गर्भावस्था के अंदर जो शिशु है वो किस प्रकार पनपता है, और वहाँ पर भी उसको बहुत परेशानी होती है, उसको बहुत दुख दर्द सहन करने पड़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये बात बताते हैं तो उस समय कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुध बुध के रूप में, 10 रात्रि में बेर के समान तथा उसके 50 मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। एक मास में सिर, दो मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा हो जाती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ, जरायु मतलब झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अनादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठामूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ शुद्धित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होने लगती है और जरायु मतलब झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका जाता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख हो सकता है। वह जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें मास के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहंकार तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठरग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकलूँगा ऐसा विचार करता है। जिन दीन बंधु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेला जाता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिरता हुआ वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है।
गर्भ में रुग्णावस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी प्रकार वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। स्वदेज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण उसके अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में एवं अन्य चेष्टाओं के करने से वह असमर्थ हो जाता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस बालक की कोमल त्वचा को मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोग कर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही पाता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यजनों से आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों का से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिता से प्रलोभित होकर महामोह रूप अनंत में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस पर अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा और भौरा और मछली ये पांच क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस इन पांचों विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांच इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करता है तो वह क्यों नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयाशक्ति से के कारण व्यर्थ में नष्ट कर देता है उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप यह अवसर उसके प्रमाद को से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वतः महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाश में बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य के प्राप्त नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान ने छठे अध्याय के अंदर बताया है कि गर्भावस्था के अंदर शिशु किस प्रकार से महसूस करता है और बाहर आने के बाद भी जब वो सारे उसको सब विस्मृति हो जाती है तो वो जब बातें सब भूल जाता है तो कैसे फिर वापस वो अपने कर्मों के बंधन में बंधता चला जाता है और इस प्रकार जीवन मरण का चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का छठा अध्याय गरुड़ पुराण का आपको अच्छा लगा होगा। अब कल सातवें अध्याय के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।